हमारे कोच लग चुके हैं किसी साइड पर डॉक्टर दिनेश मिश्रा हमारे कोच में अभी हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दीवान गराव पहुंच चुके हैं फाइनल टीमों का निरंजन करते हुए एक अच्छा सा फाइनल हमें खेलने को मिलेगा दोनों टीमें स्पोर्ट्समैन सर्किट के साथ इस फाइनल में खेलेंगे तो बच्चे लोग के साथ उनको रक्षा करते हैं हमारे मुख्य अतिथि उनके साथ ऑफिसर किश्तवाड़ उनके साथ मैकेनिकल उनकेबली साथ दोनों टीमें अपना सेमीफाइनल मुकाबला काफी अच्छे तरीके से जीती है और एक बेहतरीन फाइनल मुकाबले की यहाँ दरकार है और शायद हमें देखने को मिलेगा इंसान ने काश मांगा है बलुस्तान चॉइस उन्होंने करने का किया है और रियल विश्वास है फाइव इन साइड आ जाओ और फाइव इन साइड आ जाओ गोल होता है और ये गोल पहला जो हाथ है 20 मिनट का बोल रही थी गेम में 10-10-20 की रुकी है तो 10 मिनट का एक बजे से अच्छे तक पैर करने में कामयाब नहीं है यहां से टेबी टीम गोल करेगी तो मनेगा बॉल ऊपर से इस छोटे से ग्राउंड में अगर वो अपने स्किल्स को दिखाएंगे पूरे मैच को देखे ताकि वे अपने हाथ से अपने दोनों टीमें शून्य शून्य पर चलती हुई इससे पहले हार का मैच एक मिनट में आप देखे बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ यहां से जर्सी नंबर बाहर अच्छा कीपर लेकिन फिर से साइड लाइन से बाहर है एक और विकेट क्योंकि यहां पे थ्रो इन नहीं मिलेगा क्योंकि थ्रो इन इस गेम में नहीं है पास ही किया था लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां साथ में मौजूद नहीं था अच्छी गेम चलते हुए अच्छे ड्रिबलिंग करते हुए जर्सी नंबर बाहर कोई हो सकता था लेकिन फिर से चलिए टाइम भी बहुत कम बचा है फर्स्ट हाफ का कि अगर कोई गोल कर सकता है कि नहीं यहां से मूव रहा है अच्छी किश्तवाड़ में मगर वहां से हिंदुस्तान की टीम बॉल को आगे लेते हुए ड्रिबलिंग करते हुए मगर उनसे बॉल छीन ली गई और वहां से बॉल साइलेंस के हर एक फैसले को उन्होंने माना है और आगे भी सेकंड हाफ में भी उम्मीद करते हैं कि उस डिसीजन को मानते रहेंगे क्योंकि फुटबॉल की तरह आप इस गेम को खेल रहे हैं उसमें ऊंच नीच होती रहती है उतार चढ़ाव होता रहता है इस गेम को भी आप अच्छी तरह से खेलेंगे जावेद सर अगर जमीन में वो टीम में वो जज्बा नहीं है तो वो मैच हरा रहे हैं बच्चे जो अंदर आ रहे हैं इनको थोड़ा इनको मैं बात कर रहा हूँ रोश की बात करूं जो अगर टीम में नहीं हो तो वो मैच में भी मजा नहीं है मजा नहीं आता मगर इस मैच में बहुत मजा आ रहा है दोनों टीमें पूरे जोश के साथ अपना पूरा टाइम लगा रही है अपनी पूरी किकें लगा रही है कि कौन सा गोल करे मगर अभी तक दोनों टीमें नाकाम है गोल करने में और जो अपील बार बार वो रेफरी से भी कर रहे हैं कि फेल है वो भी सही है यानी हम मान के चलेंगे अच्छा मुकाबला चलता है दोनों टीम में अभी कमीशन ड्रिबलिंग तो कर रहा है इसमें ज्यादा से टाइम नहीं लगता है जैसे गोल होगा टीमों को फिर से मैच को शुरू करना होता है इसमें पूरा गोल देखकर हमें ये लगता है कि उन्होंने अपना दबाव बना लिया है अच्छी किस्मत जो भी चूके और गोल हुए
बिल्कुल ऐसे रोल की बरकरार है। नजर हटी भाई दुर्घटना घटेगी, ये ध्यान दीजिए, बहुत तेज गेम है, बहुत कम समय मिलता है आपको गोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करिए। तब इतना बच्चों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है अफगानिस्तान के प्लेयर ने, अच्छी किश्तवार थी इस मैच में, थोड़ा सा बैक फुट पर दिखाई देती हुई, देखते हैं अगर वो गोल एक कर लेते हैं फिर मैच फिर से एक अच्छे मूव बना था रियल किश्तवार के, कोशिश की थी लेकिन उनके पास अच्छी कोचिंग है, दूसरा इनके पास अच्छे स्किल्स है और फुर्ती काफी ज्यादा है। यहाँ देखना है कि अगर कोई अपना ओवर निकालता है तो बगैर इसमें टाइम जाए करना ही नहीं, नई बॉल को आउट ऑफ प्ले करना है। ये मैच जोश वर्सेज जमान वर्सेज एक्सपीरियंस के बीच में चलता था, तो छोटी टीम जिनके पास जोश और हौसला मिला और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस आ रहा है भाई, गोल उसने खाया है, उसकी टीम को पूरा सर सपोर्ट करे, गोल करने में कामयाब हो जाए, अपने प्लेयरों को नसीहत करें कि खेले तब जाकर गोल होंगे। अपने आसिफ का यहाँ पर सीनियर के दरमियान खेला जा रहा है, दोनों टीमें बहुत कोशिश कर रही है, टाई पर आ जाता है तो फिर तीन तीन पेनल्टी शूट मिलेंगे लास्ट पर, अगर टाई पे मैच देख ठीक है फिर से गेम शुरू होता है, पंद्रह नंबर चर्ची के बाद गोल यहाँ से पहली हट गई थी और तब तक हमने देखा कि दोनों टीमें थोड़ा सा मैच में फिर से रोमांचक मोड में पहुंच चुका है, दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर है, यहाँ सिर्फ गोल रूप लेते हुए देखते हैं, यहाँ पर फिर से देखते लेने के लिए तैयार है, वहाँ से एक अच्छी टीम आराम से फिर से जावेद साहब आपने बात की थी आसिफ के इम्पैक्ट को काफी स्टेप देने का प्रयास हो चुके हैं, उनकी बराबरी कर दी उन्होंने, अब यहाँ से फर्स्ट डिविजन लाने में कामयाब होने वाले वाला समय बताएंगे, बहुत अच्छा गेम चलता है, फिर से नीचे लेकिन बिना स्थान के पूरे खिलाड़ी नहीं गोल पोस्ट के सामने खड़े थे, पांच मिनट का टाइम बचा इस मैच का, देखते हैं जो नहीं है लेफ्ट साइड में सुदेवा स्किल इसने सीख लिया है, अच्छी गोल कीपिंग का मुजाहरा उसने किया है, दोनों साइड पास हो गया है, गोल दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर है, देखते हैं कि आगे बढ़ेगी, अभी फिर दूसरे हाथ में देखा जाए तो अभी तक रियल किश्तवाड़ हारी है, हिंदुस्तान के प्लेयर अच्छे किक्स लग रहे हैं डायरेक्ट गोल पे, अब दूर से निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई गोल अभी तक दो यहां से मिल सकते हैं, लेकिन इसका नियंत्रण नहीं रख सकते, हासिल कर ली है, फिर से रियल किश्तवाड़ की टीम ने मूव बनाया है, देखते हैं यहाँ से हिंदुस्तान की टीम ने उनसे बॉल छीन लिया और भी अच्छे क्रिकेटर की है, यहाँ से देखना है कि हिंदुस्तान की टीम बॉल को आगे लेती हुई, देखते हैं टाइम आउट टाइम, एक अच्छा प्लेयर सिर्फ डिफेंड करता है मगर वो खेल की कमी है,
यहाँ से चाहेंगे ये फाइनल तो आने वाले मैचेस में आप घर के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में फिर से मोह बनाया है अक्षय कृष्ण ने देखा है फिर बाल गेम है कुछ लग सकते हैं आप अपील कर सकते हैं अपने टीम के लिए खेले अपने टीम के लिए खेले ऐसे एक और मोह बनाया विजय ने विजय ने टीम मोह भी दूर होगी तो देखते हैं विजय दो मोह बनाते हैं कि नहीं मगर ठीक ही ली गई मैं फिर से मोह बनाया है अगर ये अक्षर कार्ड यहाँ पे अच्छा करने लगे भाई एफसी किश्तवाड़ के पास एफसी किश्तवाड़ का एक और मुंह आगे की तरफ इससे बेहतर था कि अगर अपने साथी को उसने पास दिया होता तो यहाँ से वो गोल कर सकते थे यहाँ से मुंह के पास गए ये आयुष के पास गया होगा गोभी को गोभी के पास गए गोभी से भी देखते हैं मौके बनाना बना रहे हैं दोनों टीमें इसको ब्लॉक खेल कहते हैं प्लेयर को ब्लॉक करके रखना है आप तो किसी भी खिलाड़ी को ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन उसको टच करने के लिए एक गोल होगा तो मैच बैलेंस हो जाएगा एक छोटी सी पास अपने प्लेयर को दिया विजय को देखते हैं कि वो आगे बॉल को ले जा सकते हैं कि नहीं दामिल उनके बीच में देखते हैं वहां से बॉल छीन ली गई है बॉल पहुंची फिर से पुरस्तान के पास पुरस्तान का जैसिंदर कमरा फिर से विजय बिहार के लेते हुए आगे बुरा बनाया है मगर वहां से बॉल छीन ली गई वहां आप देखते हैं धोनी का मैदान चूके बॉबी बॉल को रिसीव करने में एफसी किश्तवाड़ रियल किश्तवाड़ दो गोल और अफगानिस्तान एक गोल ये बच्चों को फुटबॉल भी सीखने के लिए और फुटसाल भी सीखने के लिए ये गोल आपके लिए इसलिए बना गए तो 15 मिनट में ही प्लेयर जो है टूट जाता है इसलिए डायरेक्ट किक यहां मिली है तो सर ये लाइन पे बाहर ही होती है ना दोनों टीम का देख गोल किया गया था तो ये गोल दूसरा नहीं माना जाएगा तो देश शून्य की तरह का विजय रियल किश्तवाड़ के पास देखते हैं फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग मैच आखिरी लम्हा में पहुंचता हुआ यहीं पर जो गोल हुआ था उसमें मिसकंसेप्शन पाकिस्तान की टीम अब कोशिश करेगी उनको कोशिश भी करनी होगी बाल्ट बाल अगर खेलेंगे अगले मुश्किल होंगे जैसे हमारे ये रियल किश्तवाड़ की टीम एक दूसरे को पास देने के बाद गोल करते हैं इसी तरह से पाकिस्तान को भी कर रहा होगा से ये गोल हो सका और ये नया बयान आसिफ ने अपने करते आसिफ अपनी कप्तानी का अपने गोल कीपिंग का बहुत अच्छा शानदार नजारा करते हैं उन्हें मालूम कि यहाँ से मैच चल रहा था मैं चलता हूँ हमारे ना हमारे खेल बाकी है जिससे फाइनल मुकाबले का दूसरा हाफ का ढाई मिनट बाकी टीम वापसी कर सकती है जाए सर क्या कर सकती है वापसी ढाई मिनट लगता है कि वापसी कर लेगी देखते हैं कि कर लेती है कि नहीं मगर अभी उनके जोश में थे क्योंकि जोश के साथ बड़ा तीन थ्रो तीन गोल के
वो चाहेंगे भी अपने होश को भी मेंटेन करके रखा से पूरे मैच में, जबकि पहला बॉल लगा था बेमस्तान को टीम ने, एक अच्छा सेफ यहां से करते हुए रेफरी जो है अपनी गाड़ियों पर नजर रखे हुए कि किस वक्त टाइम पूरा होगा और विसल बजाई जाएगी। बेमस्तान की टीम ने स्कूप करके क्रॉस किया था नहीं मगर चूक गए, एक बहुत ही अच्छा मौका था गोल का। टाइम जीतने में कामयाब है, ये रिश्ते आखिर कितने मजनू में